हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IFCI कंपनी के बारे में। स्टॉक में 20% तक की एक बहुत ही बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये तेजी आगे कहां तक जा सकती है वो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपना व्यू यहां पे शेयर करूंगा। हालांकि ये स्टॉक बहुत टाइम पहले अपडेट दिया था, जब ये स्टॉक बहुत छोटे लेवल पर हुआ करता था, एंड बीच में मैंने कभी भी इसके बारे में अपडेट नहीं दिया। ऑलमोस्ट यूट्यूब पर मेरा इसका सिर्फ एक या दो वीडियो ही होंगे। एंड अभी के टाइम अगर देखा जाए तो बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। क्या हमें आगे इसमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, कंपनी कैसी है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनती है नहीं बनती है, कौन से टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं वो जानेंगे। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से, वीडियो में देख के कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आज के दिन 20% की तेज़ी दिखी है, लास्ट 5 डेज में 15% एंड लास्ट 1 मंथ में 37%, 6 मंथ में यहाँ पे 74% एंड 1 ईयर में जो है 550% तक के कंपनी ने हमें रिटर्न्स बना के दिए। बहुत ही तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के दिए। स्टॉक ऑलमोस्ट 12 रुपये के प्राइस से भागना शुरू किया है। मैक्सिमम में ऑलमोस्ट यहाँ पे 400% तक के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। एक समय के लिए स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेज़ी दिखी थी 2007-2008 के टाइम, बट जिसने भी 2007-2008 में बाई किया वो 10 साल 15 साल के लिए इस स्टॉक में फंस गया। ये बात आप ध्यान रखना, जिसने भी यहाँ पे बाई किया वो 10 साल 15 साल के लिए फंस गया। एंड अगेन स्टॉक क्या कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है अभी के टाइम। तो क्या इस टॉप लेवल पे हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट का डेटा क्या बोल रहा है कि जब जब टॉप गया है वहाँ से लोग फंसे हैं। तो क्या यहाँ पे बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पे ये एक सही प्राइस है, तो वो समझेंगे। सबसे पहले आज का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक आप आज के दिन स्टॉक आपका ओपन होता है 70 रुपीज़ के प्राइस पे, हाई लगाता है 84 के आसपास, जो कि अपर सर्किट जोन है, 69 रुपीज़ तक का लो लगाता है। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में तेज़ी बनती है। 16 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 1200 करोड़ के वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं एंड 26% क्वांटिटी डिलीवरी उठाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज डिलीवरी कम उठाई गई है, लोगों ने माल मतलब खरीदा तो है बट होल्ड कम किया है। मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, 20% की तेज़ी आई है, तो इंट्राडे में पैसा बना के ज़्यादा लोग निकले। अभी के टाइम अगर मैं बात करूं कंपनी की ऑर्डर बुक, तो जो मतलब कि एमओ ऑर्डर, 50 लाख क्वांटिटी का एमओ ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है और सर्किट लिमिट है आपकी 20% की। तो क्या कोई इस कंपनी में बड़ा ऐलान हुआ है, क्या कंपनी के मैनेजमेंट्स की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। 9 जुलाई के बाद जो भी अपडेट्स आए थे नॉर्मली 9 जुलाई तक आए थे, 9 जुलाई के बाद कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिले। ये जो स्टॉक है ये एक PSU स्टॉक है एंड यहाँ पे सबसे अच्छी खबर जो हमें दिख रही है वो ये है कि प्रोमोटर्स ने होल्डिंग जो है इंक्रीज की है। अब प्रोमोटर्स यहाँ पे हमें कौन दिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ध्यान जो है वो यहाँ पे इस स्टॉक में पड़ा है, जिसमें ऑलमोस्ट जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बढ़ाई गई है। मैक्सिमम दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है कि PSU स्टॉक्स में मैक्सिमम टाइम प्रोमोटर्स क्या करते हैं कि अपनी होल्डिंग वैसी की वैसी रखते हैं, बट यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है जो कि एक अच्छी बात है। FIs वाले क्या कर रहे हैं, होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, कंटिन्यू होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। DIs ने थोड़ा बहुत डिक्रीज किया है और गवर्नमेंट की भी होल्डिंग यहाँ पे है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है जो कि सबसे बढ़िया बात है। 20% यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है, बाकी सबकी अच्छी अच्छी होल्डिंग्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को कवर करूँगा। ये जो कंपनी है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करवाती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी बिजनेस सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनको यहाँ पे क्या करती है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। कोई फाइनेंस आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो कोई फाइनेंस आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी फाइनेंस देती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो करती है एयरपोर्ट, रोड, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर वगैरह, मतलब जितने भी सेगमेंट हैं उन सभी को फाइनेंशियल्स सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। अगर किसी को मान लो फाइनेंस चाहिए तो उसको मिलेगा, किसी को भी मान लो फाइनेंस चाहिए तो उसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को भी, रियल एस्टेट वालों को भी, पावर को भी, टेलीकॉम वालों को भी, रोड्स को भी, एयरपोर्ट्स वालों को भी, और वो भी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से। तो इनका जो मैक्सिमम इनकम कहाँ से आता है, 18% तो है
इनका इंटरेस्ट इनकम आता है, मतलब किसी को अगर लोन दिया हुआ हो तो उसके ऊपर 18% ये जो है कि लोन वाले पैसे से ब्याज से कमाते हैं, और डिविडेंड से 23% कमाते हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है जिनसे डिविडेंड इनको अच्छा खासा आता है, 23% वहाँ से कमाते हैं। फीस एंड कमीशन से 27%, सेल्स ऑफ सर्विस से 23% ये कमाते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 21,942 करोड़ का, बड़ा मार्केट कैप है, अच्छा खासा है। 84 का प्राइस चल रहा है, 12 रुपये से 84 रुपये पहुंच चुका है। स्टॉक के पीई की बात की जाए तो पीई थोड़ा हाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का जो पीई है वो 200 से भी ऊपर दिख रहा है, बट कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जा चुकी है। अगला क्वार्टर अच्छा आया तो पीई ड्रॉप हो जाएगा, ये भी बात आप ध्यान रखना। आरओसी आरओई यहाँ पे कंपनी की बेटर है, अपने सेगमेंट में यहाँ पे बहुत निचले स्तर, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5वें स्थान पे ये कंपनी हमें दिख रही है। अपने सेगमेंट में 5वें स्थान पे आईएफसीआई हमें नजर आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो रिजल्ट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेटा चेंज हो रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हैं। सेल्स जो है वो यहाँ पे कंपनी की 605 करोड़, मतलब एक हाई पे पहुंच चुकी है। इससे पहले 600 करोड़ की यहाँ पे आई थी, उससे पहले कभी भी कोई 500 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं किया, बट सेल्स यहाँ पे 605 करोड़ बेटर है। और मार्जिन्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे हो चुके हैं, कंपनी जो एक लॉस में चल रही थी वो यहाँ पे आपकी आ चुकी है प्रॉफिट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ईयरली वाइज बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ऊपर के लेवल से गिरा एंड कंपनी यहाँ पे घाटे में आई, बट अभी रेवेन्यू अगेन अच्छा बन रहा है। पहले कंपनी बड़े बड़े लॉसेस में थी, अब यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी के ऊपर हमने क्या देखा कि रिजर्व जो है वो यहाँ पर कम हो चुका था, अब अगेन बढ़ रहा है। कंपनी के जो डेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे, अगेन कंपनी अपना डेट कम कर रही है, और कंपनी के जो एसेट्स जो लगातार गिर रहे थे वो अब एसेट्स बढ़ना शुरू हो चुके। फाइनेंशियली धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को मजबूत कर रही है। मैक्सिमम कंपनी अपना डिविडेंड इनकम जनरेट कर रही है, जो कि आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अच्छा खासा, तो डिविडेंड इनकम जनरेट करने पर लगी हुई है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग बन रही है, फंडामेंटल हमें थोड़ा बहुत स्ट्रांग अभी होते होते हुए देखने को मिलता है, अभी तक स्ट्रांग नहीं है, धीरे धीरे करके हो रहा है। तो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिख सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे आते रहे। बट चार्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से क्या बता रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से हायर हाई के पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिले एंड स्टॉक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे नजर आया। अभी के टाइम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट जो था वो यहाँ पे हो चुका है आपका ब्रेकआउट, जैसा कि दोस्तों ये लेवल था 70 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ के लेवल्स को स्टॉक ने यहाँ पे आपके ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी जो रिसेंट हाई था उसको भी ब्रेक किया एंड अभी के टाइम एक अपर सर्किट में स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अपर साइड में कौन से लेवल्स ये स्टॉक यहाँ से हमें दिखा सकता है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिबोनाची का क्या व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है, कौन से लेवल्स है अपर साइड में। दोस्तों यहाँ पे आईएफसीआई में हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं वो यहाँ पे 94 रुपीज़ के, यहाँ से शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से 94 रुपीज़ के लेवल से ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। जब ये स्टॉक 94 रुपीज़ के लेवल्स को टच करेगा तो वहाँ पे मैं अपनी कुछ पोजीशंस को यहाँ पे बुक करूँगा। अगर मैंने लिया हुआ है मान लो 70 रुपये 65 रुपये के लेवल्स पे, तो 94 रुपीज़ के प्राइस पे मैं अगर शॉर्ट टर्म हूँ तो कुछ पोजीशंस को बुक करूँगा 50-60% एंड, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म हूँ तो मैं एज एट एज स्टॉक को ऐसे ही रहने दूंगा, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का वेट करूँगा। रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक 100, 110, 120 के लेवल्स भी मुझे दिखा सकता है, बट यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टर्म हूँ तो 95 रुपीज़ के लेवल्स के आसपास कुछ क्वान्टिटी बुक करने की कोशिश करूँगा एंड लॉन्ग टर्म हूँ तो एज एट एज कंपनी को होल्ड करूँगा, क्योंकि कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू दोस्तों। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो फ्रेश एंट्री में अभी के टाइम में कोई बड़ी पोजिशन नहीं, नॉर्मली अगर इस स्टॉक में मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए नॉर्मली मैं 20 शेयर खरीद के रख लूंगा, अगर डाउन मिला तो और ऐड कर लूंगा, नहीं मिला तो नॉर्मली मुझे 20 स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट होता रहेगा। थैंक यू।